ब्रोंकियोस्कोपी और ब्रोंकियोएल्वोलर लवेज। ब्रोंकियोस्कोपी एक प्रक्रिया है जो आपके फेफड़ों को देखने के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें ब्रोंकियोस्कोप पारदर्शी ट्यूब का उपयोग किया जाता है। ट्यूब को मुंह या नाक के माध्यम से डाला जाता है और गले से नीचे ले जाया जाता है। वायु मार्ग में यह फेफड़े के रोगों का निदान और उपचार कराने में मदद करता है। ब्रोंकियोएल्वोलर लवेज बाल एक प्रक्रिया है जो कभी कभी ब्रोंकियोस्कोपी के दौरान की जाती है। इसे ब्रोंकियोएल्वोलर वॉशिंग भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु छिद्रों को धोने और तरल पदार्थों के नमूनों को प्राप्त करने के लिए भाप के कोप के माध्यम से सेलाइन सॉल्यूशन निकाला जाता है। ब्रोंकियोस्कोपी का उपयोग वायु मार्ग में वृद्धि या अन्य रुकावटों को ढूंढने और उनके इलाज के लिए किया जाता है, जैसे फेफड़ों के ट्यूमर को हटाने के लिए, खांसी का कारण जानने के लिए, फेफड़ों में रक्त का संचार देखने के लिए। अगर आपको पहले से ही फेफड़ों के कैंसर का पता लग गया है तो इस टेस्ट से यह पता चलता है कि यह कितना गंभीर है। यह परीक्षण फेफड़ों के विभिन्न विकारों का निदान करने में मदद करता है, जिनमें शामिल है जीवाणु संक्रमण जैसे तपेदिक और बैक्टीरियल निमोनिया, फेफड़ों का कैंसर इत्यादि। DPMI सिर्फ शिक्षा हुनर ही नहीं बल्कि सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। थैंक यू DPMI।